ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बिहार के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मतलब एक समीक्षा बैठक किया है और बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं कि जो मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है अगर उतना निर्देश दिया गया जितना को सही से फॉलो किया जाता है तब। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं उसी का आपका डिस्कशन करने आया हूँ दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो तकनीकी संस्थान है यानी जितने भी टेक्निकल कॉलेज बन रहे हैं न्यू बिहार में, तो दोस्तों बहुत सारे का कॉलेज अभी का कैंपस अभी तक बनकर नहीं तैयार हुआ है। तो दोस्तों उनके लिए निर्देश है कि कैंपस को जल्दी से तैयार किया जाए और मतलब उनका जो मेंटेनेंस है उनकी भी अच्छी व्यवस्था किया जाए दोस्तों। उसके बाद एक बात और है कि जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग करने के लिए जो क्वालिफाइड फैकल्टी हैं उनकी व्यवस्था रखें, यानी कि अच्छे डिग्री वाले और जिनके पास अच्छे नॉलेज हो उन्हीं को पढ़ाने के लिए रखा जाए ताकि जो छात्र हैं उनको मतलब एक क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल सके और वहाँ से उनकी प्लेसमेंट हो सके दोस्तों। इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी कॉलेज में दोस्तों। एक बात और बोला गया है कि राज्य के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन सारे को राज्य में स्थापित IIT NIT IIIT, तो दोस्तों ये सारे से और राज्य के बाहर से भी जितने भी हायर एजुकेशनल टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेज हैं उनसे सारे को अटैच किया जाए ताकि इसकी जो क्वालिटी है कॉलेज में उसकी बढ़ाया जाए दोस्तों। कॉलेज में सही बात है कि अगर कोई IIT ये सब कॉलेज मेंटर किसी कॉलेज का बन जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कॉलेज का स्टूडेंट को मिलता है। वहाँ जितने भी फंक्शन हो या फिर चाहे वह वर्कशॉप हो या फिर प्लेसमेंट हो या फिर टीचिंग हो, तो दोस्तों सारी चीज़ मतलब आ जाती है Tier 3 के कॉलेज में यानी स्टेट का जो कॉलेज है वहाँ पर, तो इसका फ़ायदा स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर ये सब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, या बस ऐसे ही मतलब पेपर वर्क हो जाता है तो फिर मतलब कुछ नहीं हो सकता, और सही में अगर इसका फॉलो किया जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के स्टूडेंट को मिलेगा दोस्तों। यहाँ देखिए एक बैठक हुआ था जिसमें बैठक में बताया गया है कि विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उनका जो सचिव हैं लोकेश कुमार सिंह वो मतलब बताए कि जो 7 निश्चय पाठ बन आया था उसमें युवा सब मिशन, उसके बाद में राज्य में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज पहले नहीं थे तो उसे खोला गया है, फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोला गया और 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा सारे कॉलेज में। तो दोस्तों इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अब मतलब ऐसा है कि थोड़ा पढ़ने का मतलब मन करेगा आप लोग को भी, ताकि अगर जॉब अगर यहाँ से भी होने लगे तो सारे बच्चे को मन करेगा और यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ेगा दोस्तों। ऐसे मतलब हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब का रेशियो बहुत कम है, और फिर जो जॉब मिल भी रहे हैं तो किन्हीं का प्लेसमेंट होकर जा रहा है और फिर कंपनी वहाँ से हटा दे रहा है, यानी कि नाम के लिए बस प्लेसमेंट हो रहा है। उसके बाद में जिन्हों को पैकेज भी मिल रहा है तो बहुत कम का पैकेज मिल रहा है। तो ये सब अगर होता है तो बच्चों को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। संस्थान का कॉलेज बन रहा है यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं और वहाँ पे कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, जैसे पॉलिटेक्निक वाले भी इंजीनियरिंग वाले, तो दोस्तों ये सब का जो कार्य है वो तेज़ी से करने के लिए बोला गया है ताकि कैंपस है वो ससमय तैयार हो जाए और जितना भी कैंपस बन चुका है उनका मेंटेनेंस के लिए भी व्यवस्था किया जाए दोस्तों। तकनीकी संस्थान के अध्यापन के लिए जो फैकल्टी हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए यानी अच्छे डिग्री और नॉलेज वाले होने चाहिए ताकि छात्रों को जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले दोस्तों। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर प्लेसमेंट हो इनकी भी व्यवस्था की जा रही है और बहुत सारे कॉलेज में इसका प्लेसमेंट के लिए सेल बनाया जाएगा दोस्तों। बहुत सारे कॉलेज में सेल बना हुआ है परंतु सेल मतलब ऐसे आदमी का हाथ में रहता है जो खुद न एक्टिव है और न कोई काम करता है, तो वहाँ पे मतलब प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुँच गया है, और जिसका भी प्लेसमेंट सेल का है जो जिनको मतलब डिपार्टमेंट मिलता है वो एक्टिव होगा तो वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी स्थापित हैं वहाँ पे IIT IIIT और फिर NIT ये सब हैं, या फिर राज्य के बाहर के जो कॉलेज हैं उनसे मतलब बोला जा रहा है कि सबको अफिलिएट करें यानी एक मेंटर के तौर पे किसी कॉलेज को चूज करें और उनका भी जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगा। जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं उनका मेंटर बना हुआ है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो और सबके अपेक्षा में अच्छा हो रहा है,
लेकिन जब अच्छे कॉलेज के संपर्क में आएंगे तो मतलब वहाँ भी आपको प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बताएगा, या फिर पढ़ाई हो तो उसमें आपको हेल्प करेगा, या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी होगा तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा अगर बाहर का कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज होगा। जो टीयर वन का कॉलेज होते हैं, टीयर टू का कॉलेज होते हैं, वो स्टेट का जो कॉलेज होगा उसको ज़रूर ऊपर ले जाने में सहयोग करेगा। तो दोस्तों ये सारे निर्देश दिया गया है, अब बात यह है कि अब कितना फॉलो होता है नहीं होता है वो अब बाद में आप देखोगे ही अपने कॉलेज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें।